सो गाइस फाइनली आ गए हैं टोयोटा का शोरूम, ये देख सकते हो। पता देखो ताम झाम कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक सा डिजाइन है, आसान सिंपल है। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा क्योंकि मैंने तो लगा ही दिया होगा ऐसा कुछ। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मनोज भाई तो कभी ये कार देखता कभी वो कार देखता बट लेता कुछ नहीं। तो मैं बता दूं, थार हमने उसी टाइम बुक करवा दिया था ठीक है, लेकिन थार अभी तक नहीं मिला है। थार का वेटिंग हमारे झारखंड में जो है एक साल का है, तो अभी तक थार आया नहीं है, शायद से आ जाएगा दो चार महीने में ठीक है, जो कि बुकिंग किया हुआ है। और अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ फॉर्च्यूनर लीजेंडर देखने के लिए। आप लोगों को पता होगा लीजेंडर काफी ज्यादा फेमस गाड़ी है, एंड 4x4 भी आता है उसका, 2x2 भी आता है एक ना, तो दो प्रकार का वो लीजेंडर आता है। तो अभी आज जा रहा हूँ मैं टोयोटा का शोरूम फॉर्च्यूनर लीजेंडर देखने के लिए। मैं बताना चाहूंगा ये ईयर है 2023 जो आने वाला है 2023, और मेरा लक्की नंबर है 23। आप लोगों को पता होगा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम भी है मनोज23। मेरा ये वाले हैरियर का भी जो नंबर है वो है 0023। तो मैं सोच रहा हूँ 2023 में जो है, साल भी 2023 है 23, तो सोच रहे एक तो कार होना चाहिए। तो मैं बता दूं फाइनली 2023 में एक कार कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, चाहे वो थार हो, फॉर्च्यूनर हो, या फिर और एक चीज मैं बता दूं अभी रिवील कर देता हूं, या फिर मर्सिडीज हो ठीक है। तीन में से कोई एक कार जरूर आएगा जो कि 2023 में ही आएगा अक्टूबर तक में ठीक है, क्योंकि मेरा लक्की नंबर है, मेरा लक्की ईयर भी है ये वाला एक तरह से। तो अभी हम लोग जा रहे हो टोयोटा का शोरूम पे आज फाइनली फॉर्च्यूनर देखने के लिए। कभी आज तक मैंने फॉर्च्यूनर को ड्राइव नहीं किया है, टेस्ट ड्राइव वगैरह कभी लिया नहीं है ठीक है, जस्ट सिर्फ देखा है, बैठा भी है बट हाँ कभी चलाया नहीं है। तो चलिए देखते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह अगर मिलता है तो वो भी देखेंगे, एंड कौन कौन सा वेरिएंट है, कितना क्या प्राइस आएगा, ऑन रोड वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड आप लोग को भी दिखाते हैं। एंड बस आप लोग वेट करो मनोज भाई कौन सा कार लेता है, और आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सा बेस्ट रहेगा, थार, फॉर्च्यूनर या मर्सिडीज, कमेंट करके बता देना। टोयोटा वाला शोरूम जो है वो धनबाद से थोड़ा हटके है, धनबाद से आप लोगों को बाईपास होके पूरा एकदम मतलब हाईवे आना पड़ता है, हाईवे से फिर इधर जाना पड़ेगा। अभी हाईवे में चढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ से राइट लेंगे, फिर 10 किलोमीटर होगा और आरएस मोड। सो गाइस फाइनली आ गए हैं टोयोटा का शोरूम, ये देख सकते हो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं टोयोटा, मतलब ये देखिए कौन सा गाड़ी है रे, स्कॉर्पियो एन है ना, इतना स्पीड में जा रहा भाई। तो टोयोटा का शोरूम उधर से हम लोग यहाँ पर यू टर्न लेकर के पूरा कटना होगा, एंड फर्स्ट टाइम टोयोटा का शोरूम आ रहा हूँ। अभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ऐसा शोरूम पे भी आ पाऊंगा ठीक है, खरीदने का तो बात ही छोड़ दो, बट हाँ अभी ऑलरेडी मेरे पास टाटा हैरियर है तो अब इससे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं ठीक है। धीरे धीरे सीढ़ी को ही ऊपर चढ़ना ज़्यादा बेटर रहता किसी इंसान के लिए, अचानक से एक ही बार में ऊपर चढ़ जाना बहुत दिक्कत है ठीक है, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं टोयोटा का शोरूम, फाइनली वी आर रीच्ड। ये हम लोग आ गए हैं शोरूम पे, ये देखिए हमारा लीजेंडर एकदम पहले ही लगा हुआ है भाई, पूरा हार्ड ब्लैक आता है कि नहीं लीजेंडर का, आई डोंट नो, मुझे पता करना होगा, पूछते हैं आकर के। चलिए दोनों कार पहले देखते हैं, एक है लीजेंडर एक है नॉर्मल फॉर्च्यूनर, एक बार दोनों देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है ठीक। लुक वाइज जो देख ही रहे हो, लुक वाइज ये देखिए, ये है नॉर्मल वाला, वो लीजेंडर है उधर वाला। एलॉय व्हील का साइज वगैरह सब सेम है क्या लीजेंडर के साथ? देखने में हम तो बताए थे ना पहले कि देखने में लुक वाइज ये ज़्यादा बेटर लगता है और लीजेंडर उतना अच्छा नहीं लगता है। अब पर्सनली मेरे साथ ऐसा है कि पब्लिक हो सकता है, ऑडियंस को किसी को कुछ लगे किसी को कुछ लगे, कि हम भी सब सामने देख रहे, हमको पहले लगता है लेजेंडर ज्यादा बढ़िया है, बट नॉर्मल फॉर्च्यूनर ज्यादा बेस्ट लगता है। लेजेंडर का फ्रंट लुक हमको पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वही है एलॉय वगैरह थोड़ा सा बड़ा है, उसका हाइट ज्यादा है। हाँ बैठते हैं, बैठिए आप ड्राइवर सीट। चलिए थोड़ा अंदर देख लेते हैं इसके इंटीरियर वगैरह। हाइट भाई क्या गजब का हाइट है। तो ये रहा कुछ इंटीरियर फॉर्च्यूनर का, गाइस देख सकते हो इंटीरियर वगैरह बोलोगे ना तो उतना भी प्रीमियम नहीं रहता है, मतलब नॉर्मल सा रहता है, बेसिक सा, बट क्या ही बोले, ब्रांड ब्रांड है, बाहर से जो लगता है म्यूजिक सिस्टम, ये एसी है, एसी का है ना वो, हाँ, ये म्यूजिक यहाँ पूरा टच स्क्रीन है, हाँ ये सब लेदर है, पूरा लेदर, ये फाइबर है, ये भी फाइबर है, यहाँ लेदर है, अरे ब्रांड वैल्यू है ना, प्लस बाहर से क्या मस्त लगता है रोड पे जब चलता है। हाइट बहुत है, बहुत हैरियर से बहुत ज्यादा हाइट है, मतलब चढ़ने के लिए वहाँ पर पैड दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पैर रख के चढ़ने का। अरे देखो ताम झाम कुछ भी नहीं है, सिंपल बेसिक सा डिजाइन है, सारा सिंपल है, यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह सनरूफ 7 एयरबैग है ना, हाँ सनरूफ तो आता ही नहीं है फॉर्च्यूनर में भाई,
एसी वेंट अच्छा है इसका, ऊपर में ऊपर से इसका तो ब्लैक भी आता है ना, इसका ब्लैक आता है। ये भी सीट है, सेवन सीटर है, सिंगल दो सीट है। ये अगर लेना है तो आप एटीट्यूड ब्लैक में, स्पार्किंग ब्लैक में, दो तरह का ब्लैक आता है। एक ब्लूइश टाइप का ब्लैक आता है जो है ना, जो धूप में थोड़ा सा चमकता है, ब्लू है ना, उसी को हम लोग स्पार्किंग ब्लैक कहते हैं। वो भी कलर काफी प्यारा है। नहीं मजा आ रहा इसका, आप लोग लुक देख लीजिए नॉर्मल फॉर्च्यूनर का। ये रहा लेजेंडर की, ज्यादा कुछ तो चेंज नहीं है, बस फ्रंट में थोड़ा चेंजिंग है, बस वैसा कुछ नहीं। हाँ इसमें आपको देखो वायरलेस चार्जर भी आ जाएगा, इसमें वायरलेस चार्जर भी आ जाएगा, एमबीएम लाइट्स वगैरह सब देख सकते हैं। ये ऑटो है क्या? ये ऑटो ही आता है, रिजेंडर तो फिर हम चलाता हूँ ऑटोमेटिक ही तो सही है ना भाई। हाँ अभी ऑटोमेटिक ही सब कोई ले रहा है। ऑटोमेटिक में आपको ड्राइविंग कंफर्ट इजी है, क्लच का आपको हैसल नहीं है, ट्रैफिक कंडीशन में भी आपको इजी ड्राइव मिलती है। इसमें भी वही सेम दिया हुआ है, जैसे इसमें भी है गॉगल्स रखने का है, इसमें थोड़ा फीचर बढ़ा दिया। इंजन पावर दोनों का सेम है, कितना 3500 है ना? कंफर्टेबल वो किंग है, इसमें भी सेवन सीटर है, दो तो पीछे तीन है। मैक से ये वाला स्पेस क्या लग रहा है, ज़्यादा है? हाँ नहीं, ये एडजस्टेबल है, ये हाँ ये एडजस्टेबल है सारा। अच्छा बैक वाला सीट भी एडजस्टेबल है। हाँ एक और चीज़ है कि अच्छा वहाँ पे हम बीच में बैठे हैं, हाँ इसीलिए हाँ मेरा नहीं सटेगा क्योंकि हम थोड़ा छोटा है ना। तो इसका लुक दिखा दे रहे आपको थोड़ा, कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है? क्या हेमंत भैया आपको कौन सा कलर? व्हाइट कलर है आपका फेवरेट? व्हाइट कलर है, ब्लैक। अच्छा ठीक है, तो मनोज भैया का तो इसका भी हम लोग ब्लैक देखने जाएंगे। ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है, मैट ब्लू है। ये JMM सरकार का चमक ना। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको मनोज भैया? ब्लैक वाला एक बार फिर देखेंगे तो ना, ये तो मैट लेकिन अच्छा लगता है, हम देखे हैं तो है। फॉर्च्यूनर देखो एक तरह से ना व्हाइट में ज्यादा फेमस है भाई, उसका जो मजा है ना नहीं है, इसको करना पड़ेगा ना, इसको वाइट कलर करवा देंगे। सर का थोड़ा ख्याल है। तो हमारा सब कुछ हो गया, यहाँ पर देख भी लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक पता है बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर कलर कौन सा ले, लेजेंडर ले कि ओल्ड वाला ले, तो बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है सूरज नाम का, उनसे मैं अभी मिलूंगा जा करके, ठीक है? फिर उनका एक फॉर्च्यूनर है व्हाइट कलर का, वो मैं थोड़ा सा ड्राइव भी लूंगा, क्योंकि कभी आज तक मैंने फॉर्च्यूनर ड्राइव भी नहीं किया तो समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से समझ बूझ के, फिर 4 बजे शाम में या 5 बजे आएंगे और बुकिंग वगैरह करवा के जाएंगे, ठीक है? और सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है? बहुत अच्छा से समझाएं, सारा दिखाएं कार वगैरह, एंड चलिए मिलते हैं अभी 4-5 बजे आपसे, ठीक? तो अभी गाइस आ गए हैं टाटा का शोरूम पे, क्योंकि जो डेप्थ है ना, क्या बोलते हैं उसके, यूरिया वो ख़त्म हो गया है मेरे टाटा हैरियर का, कम हो गया है, तो उसको डलवाने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए टाटा का शोरूम, एंड शाम में फिर से चलेंगे सूरज जी के साथ टोयोटा का शोरूम पे, एंड फाइनल करेंगे कौन सा कलर लेना है एंड कब लेना है, ठीक है? सारा कुछ फाइनल इवनिंग में ही होगा, उस टाइम फिर जो है कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को।